आज का व्लॉग जो है वो कुछ ये है कि आज इतवार का दिन है और आज मैं व्लॉग डालती हूँ और आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाती हूँ। खैर गुड मॉर्निंग, मैं अभी ताज़ा ताज़ा उठी हूँ तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग को आज ही अभी शुरुआत की जाए बगैर मुँह धोए, बगैर ब्रश किए, बगैर कपड़े चेंज किए। तो आज हम लोग जा रहे हैं खानपुर डैम, तरबेला डैम, दो डैम जा रहे हैं और पूरे घर जा रहे हैं। मैं, तैयब, सहरिश, सहरिश की पूरी फैमिली सब जा रहे हैं, सिवाय मेरी मम्मी के। एंड आई रियली मिस हर, यार उनको बहुत याद कर रही हूँ। मैं उनके बगैर कभी आई नहीं हूँ तो मिस कर रही हूँ कि हम उनके बगैर इतनी दूर जा रहे हैं। वैसे नॉर्मली मैं कभी भी उनके बगैर नहीं गई। खैर हम लोग जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ये ट्रिप जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैं शेयर करूँगी। तो 9 बजे की हमारी गाड़ी हमने करवाई हुई है, ठीक है। वो 17 सीटर जो गाड़ी नहीं होती हाईएस्ट, या पता नहीं ऐसे करके कोई गाड़ी होती है, वो थी 9 बजे की, ठीक है। तो अब बज रहे हैं 8, मतलब एक घंटा है मेरे पास तैयार होने के लिए, लेकिन मुझे तो चाहिए 10 घंटे, लेकिन हम आज 1 घंटे में ही तैयार होंगे। तो मैं अभी आती हूँ आप लोगों की खिदमत में तैयार होके, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। तो शुएब भाई के उठने से पहले करें तैयार हो जाओ, मैंने शुएब भाई ने हर बजा चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और तैयार होकर आपके पास आते हैं। अब आप देखेंगे निमरा कितनी जल्दी तैयार होगी। 1, 2, 3 तो मैं हो चुकी तैयार। जब मैं तैयार हुई थी ना तो मुझे माया ने क्या कहती है, ये मुझे वो लग रही है ट्यूसडे। मैंने कहा ट्यूसडे नहीं, मैं वेंसडे लग रही हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस कुछ ऐसा सा है। अब मैंने डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई थी। खैर मैं हो चुकी तैयार और क्योंकि मैं काफ़ी देर की तैयार हुई हूँ और मैं व्लॉग जवाब कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों की गाड़ी जो है वो लेट हो चुकी थी, वो पूरा आधा घंटा लेट हो गई थी। जिस गाड़ी में हमने जाना था वो गाड़ी हो गई थी रास्ते में ख़राब, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने नई गाड़ी बुक की है जिसमें हम अब जाएंगे। मैं हो चुके तैयार, घर वाले भी सब हो चुके हैं तैयार। सैरिश करिए कपड़े प्रेस, लेट मी शो यू। ये जो है ये हर वक्त अपने शोहर के कपड़े इस्त्री करती रहती है। कल इसने किए थे, ये शर्ट अनप्रेस्ड हो गई, मतलब सिलवटें आ गई, अब दोबारा उसको प्रेस कर रही है। और हम सब हो चुके हैं तैयार। दिस इज़ माई हॉल आउटफिट। तो फाइनली हम लोगों की गाड़ी एक इतने लंबे इंतजार के बाद आ चुकी है और वो नीचे खड़ी हुई है सामान को पानी खिलाने के लिए। और अब हम जाएंगे गुंगा डैम, गुंगा डैम कह रही हूँ, कौन सा डैम खानपुर डैम। और गाड़ी दिखाती हूँ आपको, ये है गाड़ी। तो अब चलते हैं और इसमें बैठते हैं, चलते हैं और उसमें बैठते हैं। Why are you looking so pretty, Ajwa? अच्छा तो हम लोग जो है वो निकल चुके हैं। मुझे इस चीज़ का दुख हमेशा रहेगा कि गाड़ी में खिड़कियाँ नहीं खुलती क्योंकि मुझे एसी की हवा गाड़ी में नहीं पसंद, लेकिन एक छोटा फैन यहाँ पे है जो हमें सहारा दे रहा है और मेरे पास मेरी गुड़िया रानी है जो सो रही है। तो अब हम लोग जाएंगे, रास्ते में हम लोग मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे और फिर वहाँ पर जाके हम लोग जो जो करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। इसको तो आप इग्नोर करें ना, फुल इग्नोर करें, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में वो सीटों को दिखाया मैंने इग्नोर कर सकते। मुंह थोड़ा बड़ा आ रहा है लेकिन ख्याल है।
ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं खानपुर डैम। मैं पिछली बार भी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर इतना अंधेरा था कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी, तो मैंने सोचा कि इस बार आपको दिखाती हूँ। इसका पानी बहुत खूबसूरत है, सी ग्रीन ब्लू कलर सा है और बहुत ही प्यारा है। आए मैं आपको पानी दिखाती हूँ करीब से, और फिर हम लेंगे इनमें से कोई एक बोट और उस बटन बंद करें, फिर उस बोट पे हम लेंगे झूले। आज हम सबने ट्विनिंग किया है, वी ऑल आर वेयरिंग ब्लैक ब्लैक। सी वाटर, वाटर इज ब्यूटीफुल बट डर्टी डर्टी ब्यूटीफुल। कितना प्यारा लग रहा है यार वो पहाड़। अच्छा, मैं जब पिछली बार आई थी तो बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी थी। आज मैं दिन में आई हूँ, हम लोग वीडियो भी बनाएंगे और बोट पे जो भी बोट हम राइड लेंगे उस बोट की वीडियो भी बनाऊंगी। बताओ सामान कौन सी बड़ी वाली लेंगे? हाँ सर, पैसे हम गरीब लोग हैं, सस्ती वाली लेंगे। तो ये कह रहे हैं जर्सी लेंगे। आज मैंने करवाई है बोट, मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि 5,000 की बोट हो रही थी, मैंने 1,200 की करवाई है। और इस बोट पे हम लोग जाएंगे और हम लेंगे झूले। बैठ गए पहले से पहले। नहीं, मुझे जैकेट पहननी है पहले। जैकेट मुझे भी दो। वो सारों भाई, वो सारों। चले ओए, मेरे भी बैठना। चलो झड़े हैं, बैठ जाएंगे। चलो 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 चलो, कश्ती खड़ी कर दो। तो यार दोबारा एक बोट लेने के लिए, ये एक छोटी बोट है जिसमें मैं और मेरा भाई बैठेंगे और ऐसे ऐसे करके झूले लेंगे। हमने तीन का वादा लेने इन मनोज अंकल ने नहीं बैठने दिया, तो अब हम दो बंदे आए। ओए भाई, मेरा मोबाइल। तब हम जा रहे हैं तरबेला डैम, तो तरबेला डैम जाके वो वहाँ पर एक डैम है जिसमें से पानी गिरता रहता गिरता रहता गिरता रहता, अब हम वो देखेंगे। तो लेट्स गो टू तरबेला डैम। हम इस बोट से बाहर निकलते, इससे पहले हमें धक्के देके बाहर निकलते। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में ऐसे चल रहा है लेकिन पीछे तक हवा नहीं मुंत की लोप आ रही, जिसकी वजह से मेरा मेकअप जो पिघल के मेरी ठोडी पे आने वाला है और मैं काली होने वाली हूँ अनकरीब। तो आप लोगों ने आगे कहीं मैं प्यारी ना लगूं तो डरना नहीं है, और मुझे चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करना, सबर करना है, सबर करना है, तहम्मुल करना है। हम बार बार फेस पाउडर ठोकते रहेंगे और प्यारे होते रहेंगे। खैर, अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए, अब हम जा रहे हैं तरबेला
तरबेला डैम। हेलो गाइस, ये मेरी आंटी है और हम दोनों मिलके जा रहे हैं मुबाली आइसलैंड। मुबाली आइलैंड, ये मेरे शेर भाई ने मुझे आइसलैंड सिखाया तो वो मेरे मुंह पे चढ़ गया है। और कॉपीराइट आएगी ना फिर तो पता चलेगा। अच्छा, मेरी आंटी कह रही है फिल्म आई नहीं। चले आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं, बाहर बहुत अच्छा नज़ारा है। बंद हो जाता है, हम लोग कब से घूमे जा रहे थे, हमें नहीं मिला तरबेला डैम। अब जो है वो ऐसे टाप के जाएंगे, टाप के, और फिर उसके बाद हम ठीक यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे तक पैदल। हाइकिंग वाइकिंग तो नहीं है, लेकिन ये वट्टों वाली ये पत्थरों वाली वो सड़क है, तो हम लोगों को थोड़ी मुश्किल दरपेश आ रही है जाने में, लेकिन मैं जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। वो तैयब है आगे सारिश है। पत्थर इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखें बहुत मज़े के हैं। अरे मेरी फैमिली से जद्दोजहद में मुबतला है कि हम लोग नीचे तो उतर जाएंगे लेकिन चढ़ेंगे वापस कैसे। सोचा था पता नहीं कितना कोई हसीन और जमीन सा नज़ारा होगा, लेकिन क्योंकि मैं इतने सारे पहाड़ी इलाकों पर जा चुकी हूँ तो मुझे ये नज़ारा कुछ खास लग नहीं रहा है। ऊपर से मैं किसी तरीके से प्यारी भी नहीं आ पा रही हूँ, बड़े बड़े पत्थर हैं। खैर, उसके ऊपर हम लोग झूम रहे हैं। उधर मैं जा रही हूँ पानी के पास, तो वहाँ से जाके कुछ तस्वीरें लेते हैं। वो है मेरी फैमिली जो कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आ रही है, जिनसे उतरा ही नहीं जा रहा। और ये हूँ मैं जो कि उछल उछल के जा रही हूँ। लेकिन इतनी ठंडी तस्वीर है ना इस डैम की, मतलब इतनी तेज सूरज निकला है लेकिन फिर भी ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। अब वो मेरे कजन्स हैं जो आप पिक्चर्स दे रहे हैं अपनी अपनी अपने घर वालों को, वो पीछे छोड़ गए। अरे हम आ गए एक पॉइंट पे, शेफ है किसी को भी उधर नहीं जाने मेरे शेफ के लिए। अब हम लोग पानी में बाउंड्री करने लगे, चेक करने लगे कि पानी का तापमान कैसा है। इतने सूरज में भी पानी कैसे इतना ठंडा रह सकता है। कितना ठंडा यह पानी है, इधर आके गर्मी नहीं लग रही। कस्बा परेशान है कि कैसे जाए कैसे नहीं। अब हम लोग तेजी से भाग के जा रहे हैं क्योंकि पहले हम पीछे आए थे, पीछे बैठ के आए थे गर्मी में सड़ के। अब हम लोग सीट की जद्दोजहद के लिए तेज तेज भाग के जा रहे हैं।
गाड़ी नहीं आई अभी। तंग में भागी, मुझे सांस चढ़ गया। लोगों ने बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत सब कुछ हो गया, बहुत तस्वीरें हो गई। अब आगे बैठ के घर को जाएंगे। मुझे था कि पानी ऐसे गिर रहा होगा डैम से, वो आ गया, लेकिन आ गया। नहीं गिर रहा। मेरी आंटी नहीं आ सकी क्योंकि क्यों नहीं गिर रहा, वहाँ से गिर नहीं रहा था, नहीं गिर रहा था। देखा नहीं आपने है? हाँ। ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज मिस कर रही है। आंटी नहीं आई क्योंकि आंटी का वजन बहुत ज्यादा था, आंटी से चला नहीं जाना था। माइक छोड़ आज मामा, मेरा मोबाइल दे। अच्छा, मेरी मामा कहाँ पे है? मामा है? मामा पर मैं इतना ज़्यादा थक गई, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक तो एसी चल रहा था, ऊपर से बहुत लंबा सफ़र था और था भी अनकंफर्टेबल सीट्स पर, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी थक गए हैं। मतलब सब पानी पीने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने इंजॉय किया। पहले हम लोग गए खानपुर डैम, फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट जो कि बहुत महंगा था, हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर हम लोग गए तरबेला डैम, वो भी 5 बजे बंद हो चुका होता है, लेकिन हम लोगों ने ठंडे ठंडे पानी में अपने पैर भिगोए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई व्लॉग गुड। और मेरी इंग्लिश को करें इग्नोर। लोग कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ना बोला करें। भाई मैं क्यों ना बोला करूँ? मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा से सिखाया है कि अगर आपको गलत इंग्लिश आती है तो आप बोला करें, ताकि आपकी बेहतर हो। आज मैं गलत बोलूँगी, आप लोग मुझे ठीक करेंगे और एक दिन मैं ठीक हो ही जाऊँगी। खैर, ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और एक पूरी बात ये भी है कि आज शदीद गर्मी थी और मैंने बाल खोले थे लेकिन मैंने बंद कर लिए थे पूरे व्लॉग में। खैर, अच्छा रहा दिन मेरा। और कल हम लोगों की ट्रेन है दोपहर को 4:30 बजे की, तो हम लोगों ने लाहौर वापस भी जाना है और लाहौर जाके फिर नए नए ताज़े व्लॉग्स आपकी खिदमत में। पसीना आए, हाय हाय, इतना हाजिर करती रहेगी। मेरा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।